अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम अपने छोटे जंगल में आ चुके हैं और आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है। आज हम एक और चीज़ लेके आए हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ और हम अपने परिंदों को ना खोलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि आज हम आप अपने छोटे जंगल में और क्या चीज़ लेके आए हैं। तो चलते हैं, जल्दी जल्दी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी मोरनी भी खोल दी है और अपनी मुर्गी भी खोल दी है। अब हम अपने कबूतर वगैरह और बफ खोलते हैं, उसके बाद मैं अपना आपको अपना सरप्राइज दिखाता हूँ कि आज हम क्या लेके आए हैं। वैसे हमारे कबूतर भी खुल चुके हैं और हमारी चकोरें भी जो है ना माशाल्लाह से बाहर आ चुकी हैं। तो हमारे गोल्डन बफ भी बाहर निकल गए हैं, हमारे कॉकटेल भी बाहर आ गए हैं और आज का जो दोस्तों सरप्राइज है मैं आपको दिखाने लगा हूँ। माशाल्लाह से आज फिर वो ना मैंने नीचे ईंटें लगा दी हैं तो वो बाहर अब नहीं निकल सकते हैं। तो आज का जो सरप्राइज़ है वो दोस्तों हमारी छोटी छोटी डक्स आ चुकी हैं और माशाल्लाह से बहुत प्यारी लगी मुझे कल, तो मैं ये ले आया अपने छोटे जंगल के लिए। तो हमारी डक्स अब बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि आपको कैसी लगती हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी मैं बच्चे इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि यहाँ पर ट्रेन हो जाए, जो बड़े होते हैं ना ये हंस हैं जो वाइट कलर के बनते हैं, तो वो जो है ना वो बच्चों को मारते हैं और पड़ जाते हैं, इसलिए मैं छोटे लेके आया हूँ कि वो ट्रेन हो जाए और हमारे छोटे जंगल के लिए सही रहें। और ये जब बड़े होंगे तो बहुत ही प्यारे लगेंगे, वाइट कलर के हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी हम इनको खोलते हैं। वैसे हमारी डक्स चेक करें, डक्स के बच्चे अभी मेरे से डर रहे हैं और ये चेक करें। हमारी मुर्गी पहले तो इनको मारने आती है जब देखती है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुर्गी ने अभी तक हमारी डक्स पर अटैक नहीं किया। और हमारे कॉकटेल भी देख रहे हैं कि ये क्या चीज़ आ गई है हमारे छोटे जंगल में। आज हम इसकी ट्रेन निकालते हैं और ना मैं घर से जो है ना वो बची हुई रोटी लेके आया हूँ, तो हम जो है ना वो छोटे छोटे पीस करके यहाँ पे ना इस ट्रे में रखते हैं और सब परिंदों को अपनों को खिलाते हैं। माशाल्लाह से हमारा खरगोश है वो पानी पी रहा है चक्करों के घर से, और यहाँ पे जो है ना हमारे गोल्डन बफ और कबूतर वगैरह जो है ना वो दाना जो मैंने रोटी जो थी वो छोटे छोटे टुकड़े किए थे वो खा रहे हैं, और हमारी चकोरे भी आज माशाल्लाह से नहीं डर रही। हमारे मोर, वो हमारी पीछे डक्स बेबी, और यहाँ पे हमारे खरगोश और हमारी मुर्गी और कॉकटेल, माशाल्लाह से सारे आज ना एक ही जगह पर इकट्ठे हो गए हैं। मैं आपको दिखाता जाता हूँ, ये चेक करें, माशाल्लाह 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 हमारे डक्स बेबी चेक करें। ये हमारी मुर्गी मारने आती है लेकिन ना इनको नहीं मारती इतना, ना चेक करें, बस सिर्फ डराती है कि मेरे बच्चों से दूर हो जाओ। ये देखो, उनको नहीं पता ना ये। ये हमारे चक्करे माशाल्लाह से खरगोश, ये देखें एक केज में सारे इतने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। हमारा गोल्डन बफ, चकोरे, मोर और कबूतर वगैरह सारे एक ही जगह पे आ गए हैं, और जो है ना वो हमारे कॉकटेल, हमारा माशाल्लाह से खरगोश, हमारे मोहल्ले का जो है ना वो बच्चा माशाल्लाह से आ गया और डर रहा है। देखिए ये जो है ना वो हमारी चकोरे और खरगोशों को, ये देखें हमारे खरगोश, जौन सा ही बच्चा आता है वो माशाल्लाह से खरगोशों को पकड़ता है। और ये देखें, नहीं पकड़ी जाएगी बेटा, नहीं पकड़ी जाएगी। अब माशाल्लाह से हमारा छोटा जंगल जो है ना वो हरा भरा लगना स्टार्ट हो चुका है और परिंदे वगैरह भी आ गए हैं और हमारी चकोरे डक्स एक जगह पर। हमारा मुर्गा अपनी फीड को जाया करते हुए, हमारी जो चकोरे हम अपने घर में कूद जा रही हैं माशाल्लाह से, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमें गोल्डन बफ जो है वो अपने आप चले गए और मैंने उनको दरवाज़ा बंद कर दिया कि वो अपनी खा लें पी लें
और हमारी एक चकोर जो है वो चली गई और दूसरी उसकी वेट कर रही है कि अब तक आई नहीं है। और यहाँ पे हमारे डक्स भी चेक करें जी माशाल्लाह से करते हुए घास ही खा रहे हैं। कल मैंने इनको अभी रोटी डाली है, दाना डाला है, लेकिन इन्होंने नहीं खाया। फिर मैंने वो खरगोशों वाले जो घर था उसमें जा के रख दिया, अगर खाना हुआ तो खा लेंगे। हमारी बतखें और हमारे खरगोश आपस में मिलजुल गए हैं और ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी बतखें और खरगोश इकट्ठे रहेंगे। हमारी मोरनी भी माशाल्लाह से हमने बंद कर दी है और इसके लिए बहुत जल्द हम मोर ले आएंगे। अब मैंने भाई को बासित को कहा तो है, वो कहते हैं कि जैसे ही भाई आएगा तो वो आपका होगा, तो देखते हैं कि वो मोर कब तक आता है। और वैसे हमारी मुर्गी जो है अपने बच्चों को माशाल्लाह से हम मैंने आज रोटी दाना सब कुछ पानी भी चेंज किया है, सब कुछ चेंज करके आज मैं हर चीज़ से टेंशन फ्री हो गया हूँ। और इसी के साथ जो है ना वो हमारी कबूतर भी माशाल्लाह से अलग अलग अपने बॉक्स में बैठने लग गए हैं। और हमारे कॉकटेल भी माशाल्लाह से, मैंने इनको रोटी डाली थी मगर इन्होंने शौक से नहीं खाई, तो फिर मैंने इनको रोटी उठाकर कबूतरों को डाल दी और दाना और रोटी दोनों चीज़ें मैंने मिक्स करके रख दिया। और कॉकटेल को जो है वो मैंने मिक्स खुराक डाल दी है जो वो शौक से खाते हैं। और उसके बाद हमारे माशाल्लाह से गोल्डन बक इनको भी रोटी और दाना आज दिया है और पानी डाला है। और हमारी चकोरें हमसे अभी भी डरती हैं तो इनको भी मैंने ये देखना रोटी नीचे फेंक दिया और दाना जो है वो उसमें डाल दिया। आज का व्लॉग जो है वो यहीं तक था, मिलते हैं कल, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। और हमारे छोटे से चैनल छोटा जंगल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।